हेलो रमन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इट्स अराउंड आज 5 जुलाई है, अभी आज टाइम हो रहा है, अभी हमारा एग्जिट 8:53। तो कल रात को 11-12 बजे हम यहाँ पे आए थे, यानी यार बहुत ज़्यादा नींद आई है, अभी उठे हम। एंड कुछ ये रूम बिखरा हुआ है हमारा, रूम दिखाता हूँ आपको, मैं रूम टूर भी दूंगा। एंड अभी आज शिमला में है, व्यू कुछ इस तरह का, अभी अच्छे से दिखाता हूँ मैं। एंड अभी बस नहा धो के बाहर निकलेंगे एंड थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे एंड फिर वापस निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि आज हमें वापस जाना है घर पे। एंड एक बार आपको मैं रूम टूर देता हूँ एंड फिर उसके बाद बाकी बातें करते हैं। तो यहाँ से हमारे रूम की एंट्री होती है, एंटर होते ही ये सबसे मेन चीज़ हमारी वॉशरूम। तो वॉशरूम किसी इस तरह का है। देन फिर सामान बिखरा हुआ है यहाँ हमारा सारा, रात का आते ही सो गए इधर, कुछ अब उठे हैं तो कुछ सेट करने का टाइम नहीं मिला है। तो ये बेड हमारा, यहाँ पे तीन लोग हम यहाँ बैठ सो गए थे, दो अंदर थे, अंदर भी दिखाऊंगा आपको मैं। ये छोटा सा टीवी लगा हुआ है, ये हमारा मिरर। एंड यहाँ से बाहर से व्यू कुछ इस तरह का है। मौसम बहुत औसम हो रहा है, रात को शायद बारिश भी हुई है। बाकी लोग अंदर सो रहे हैं, दिखाते हैं। उठ लो नरे। उठ जा, उठ 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 उठ। एंड थैंक यू सो मच यार, कल काफी विशेज आए लोगों की, तो सबको थैंक यू मेरी तरफ से जिन्होंने मुझे सपने विश कराए। एंड रूम हमारा इस तरह कुछ है, अभी बिखरा हुआ है काफी। एक भाई हमारा अंदर आने गया हुआ, तो सब अभी नहा धो के फ्रेश होके फिर निकलेंगे बाहर। एंड आज वैसे भी संडे है, तो बेड लगा है हमारा, सब मार्केट वगैरह बंद रहेगी, बट जितना भी हो थोड़ा बहुत हम एक्सप्लोर करेंगे, वो दिखा देंगे आपको। एंड अब बस नहाते धोते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं एंड फिर निकलते हैं बाहर। एंड अब थोड़ा कुछ बाहर होगा दिखाने का, तो बाहर दिखाएंगे फिर निकलेंगे वापस हमारा रोड तक के लिए। बाहर आ चुके हैं, बाहर व्यू इस तरह का है कुछ, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। एंड आज संडे है, तो जैसे मैं बताया था कि बाकी शॉप्स वगैरह शायद आज बंद रहेंगी, बट जितना भी थोड़ा बहुत घूमने का होगा देख लेंगे। एंड गाड़ी हमारी सेफली पार्क हुई हो गई थी यहाँ पे। एंड यहाँ हमारे हिमांशु भाई आगे नहा धो के रेडी हो गए, बाकी दो दोस्त हैं वो भी आ रहे हैं, तो चलते हैं। जो थोड़ा बहुत घुमाने का होगा वो दिखाते हैं आपको, बाकी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। टट्टी है, टट्टी टट्टी, अरे हेमंत चल फोटो खींचो भाई का, चल टट्टी पा ले, टट्टी टट्टी लगो ले, 5:30 नहीं आती तेरा पैंट जो साइड में हो ले कमीन देख साला कदी, अरे ना मताल दे रहा टट्टी तो कड़ा है। सडन प्लान बन गया था हमारा, तो ज्यादा कपड़े वगैरह हम ज्यादा लेके नहीं आए थे, तो फोटो वोटो खींचने के लिए वीडियो के लिए एक दूसरे की चेंज कर रहे हैं, तो करते हैं एक्सचेंज। भाई वो पीछे टी शर्ट दे भाई, मैं लेके आया था अपनी, अरे लेके आया तो दे देना। अब रेड से अब पहनेंगे हम ग्रीन, पकड़ इसको पकड़ो। तो रूम से बाहर निकल गए हम एंड बाकी दोस्त हमारे पहुंच गए आगे आगे, मैं और हेमंत है अभी। वैसे आज संडे है, मोस्टली शॉप्स वगैरह सब बंद है, बट देखते हैं जैसा वो थोड़ा बहुत बाहर का मौसम वोसम एंजॉय करेंगे, व्यू वगैरह देखेंगे, फिर निकलेंगे हमारा वापस। ठीक है हेमंत? हाँ भाई। वैसे यार मास्क कंपलसरी यहाँ पे, अगर मास्क अगर आप नहीं पहनोगे तो 500 रुपये दंड है। एंड वैसे तो हम आए तो इलीगली हैं हम, बट फिर भी कोई नहीं, थोड़ा बहुत घूम फिर के निकल जाएंगे हम वापस। एंड व्यू बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पे एंड मौसम भी बहुत बढ़िया। चलते हैं ऊपर, ऊपर की तरफ रहे दोस्त हमारे, कुछ ज़्यादा ही आगे आगे बढ़ रहे हैं वो। एंड टाइम अभी 10:30 के करीब हो रहा है, तो 11:30 तक निकल जाएंगे हम यहाँ से। एंड लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं, ट्राई करेंगे शाम तक ही पहुँच जाए रोहतक। वो देख साला क्यों देख के चल रहा है, व्यू बहुत बढ़िया है यहाँ पे, मास्क कर लेते हैं ऊपर। बिल्कुल स्टेप चढ़ाई है यहाँ पे यार, हालत खराब हो गई, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। शॉप्स वगैरह देख सकते हो बंद है मोस्टली बिकॉज ऑफ संडे। Thank you.
माल रोड स्टार्ट हो गया जो यहाँ पे फेमस है शिमला में, एंड दोस्त जा रहे हैं सारे। एंड एक्चुअली यहाँ पे व्हीकल्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम वॉकिंग डिस्टेंस पे जा रहे हैं। व्हीकल यहाँ पे अलाउड नहीं है। एंड शिमला में धूम्रपान मुफ्त शहर है, 200 रुपये जुर्माना है अगर आप यहाँ पे अगर सिगरेट वगैरह पीते हो, 5,000 जुर्माना है अगर आप यहाँ पे गंदगी फैलाते हो। एंड अब एक रूल वो स्टार्ट हो गया, 500 रुपये जुर्माना है अगर आप मास्क नहीं लगाते हो। एंड इस रोड पर सरकारी रोड बोलते हैं, तो इस पे व्हीकल्स वगैरह नहीं अलाउड है, तो आप वॉक करके ही जा सकते हो। तो हम जा रहे हैं, अराउंड 1 किलोमीटर हो गया हम चलते चलते, लेट्स सी कितना और चलना पड़ेगा। एंड 4 दोस्त जा रहे सामने, हम पीछे पीछे रिकॉर्ड करते हुए ब्लॉगर लाइफ। माल रोड में होगी हमारी एंट्री। एंड ये सैनिटाइजर वगैरह करते घूम रहे हैं सब, देख सकते हो आप, पूरे शहर को सैनिटाइज करा जा रहा है। देखते हैं यहाँ पे हमें अंदर अलाउड करेंगे या नहीं करेंगे। एतरे संडे को सब सैनिटाइज करते हैं सारी शॉप्स वगैरह, मोस्टली शॉप सारी यहाँ पे बंद ही है, यहाँ पे सब बंद है। बंद है ना भाई सब? खुला है, खुला है। तो वहाँ पे सैनिटाइज कर रहे हैं। सो बर्फ दिख गई हमें, जूम हो जाएगा, ये हो गया 1x 2x 3 4 10x। तो शॉप वगैरह सारी बंद हैं। एंड आज संडे, तो आज सैनिटाइज करी जा रही है सारी शॉप्स वगैरह, ये पीपी किट पहन के, तो सही है, बढ़िया सीन है। यहाँ छोटी मोटी शॉप्स खुली हैं, देखते हैं कुछ मिलता है तो ना, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे खाने। दूध की थैली ले ले भाई, 4 5 5 ले ले। आज 5 तो रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद है यहाँ पे, खाने वगैरह कुछ नहीं मिला, तो दूध से काम चलाना पड़ रहा है। वापस जाते हुए अगर चंडीगढ़ में कुछ मिला तो वहीं खाएंगे, यहाँ तो थोड़ा बहुत सब बंद है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला था बट उन्होंने मना कर दिया कि संडे भी जैसे आज नहीं मिल रहा खाने के लिए। कोई नहीं, दूध जिंदाबाद हमारा। बियर शॉप्स के अलावा कोई खुली नहीं है यहाँ पे। बियर पी ले, दूध पी लिया मैंने, अभी दूध लिया है ना। तो भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, सीख ले। फोन की बैटरी सबकी ख़त्म हो गई है, एंड अभी एक लास्ट फोन बचा है जिसकी बैटरी बची है, तो आपको क्वालिटी वगैरह में फ़र्क दिखेगा। अब ये यहाँ पे रिज मैदान है, तो यहाँ पे काफ़ी जो मतलब क्राउडनेस होती है यहाँ पे मोस्टली होती है, बट आप देख सकते हो फिलहाल कोई क्राउडनेस नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट वगैरह अभी बंद है, कोई आ नहीं रहा है फिलहाल। हम ही हैं जो यहाँ पे पहुँचे हैं, एंड बस यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, फिर निकलते हैं हमारा वापस चंडीगढ़ अपना रोहतक के लिए। एंड थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, कुछ है नहीं वैसे देखने के लिए, काफ़ी क्राउडेड सी होती है, बस यहाँ पे उस तरफ व्यू अच्छा है तो थोड़ी बहुत फोटो वगैरह लेते हैं एंड फिर निकलते हैं। तो देख सकते हो कुछ व्यू मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा से किस तरह का व्यू है यहाँ से। तो यहाँ से व्यू कुछ इस तरह का है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडनेस होती है अगर आप नॉर्मल डेज में आओगे तो, बट आप देख सकते हो यहाँ पे लोकल लोग ही हैं थोड़े बहुत, या हमारे जैसे 2-4 पागल हैं और कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया है, यहाँ पे चर्च है एक, एंड उस तरफ का व्यू कुछ इस तरह, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ अगर दिखे तो। फ़ोन की क्वालिटी कुछ सारी ख़राब है यार, बाकी जितने फ़ोन से हमारे हो गए स्विच ऑफ, यानी लास्ट फोन बचा जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। I'm not really over.
तो भी टाइम अराउंड हो रहा है 4 बज रहे दोपहर के एंड 2 घंटे हो गए हमें चले हुए शिमला से एंड 2-2.5 घंटे और लगने वाले हमें चंडीगढ़ तक एंड कल और कितने लगेंगे मतलब ड्राइवर साहब कितने एंड कल शाम को लग रहा था कि हमारा जो ट्रिप है वो खराब हो गया बट ऐसा नहीं हुआ लास्ट में हमारा जो ट्रिप हमारे डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि हमें मनाली नहीं शिमला घूमना था तो हम शिमला घूम के आ गए हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कुछ पैसे दे दीजिए। हाँ जी नहीं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड जांगड़ा हेमंत जांगड़ा को आप इंस्टाग्राम पे वो कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं। ये स्टड है गुड़गांव स्टड है गुड़गांव के सेक्टर 3 में ये रहते हैं। हेमंत जांगड़ा इंस्टा आईडी क्या है हेमंत जांगड़ा आपकी हेमंत जांगड़ा लुक एट हिज फेस हैशटैग स्टड हेमंत जांगड़ा ला दिया मुंह पे केला ले आयू एंड ये हमारे ड्राइवर है जिनको अच्छे से गाड़ी चला ये थोड़े शाय शाय पर्सन है ये बोलू जी की फट चुकी है चुप हो गए सब बाहर के मौसम एंजॉय करें फिर बात करते हैं मास्क लगा लेना चाहिए लगा ले बाहर पुलिस आ रही है कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह काम चल रहे पुल बन रहा है ड्राइवर साहब को सारी नॉलेज है गाड़ी चलानी नहीं आती और क्या कर रहे हो भाई साहब क्या कर रहे हो अभी क्या कर रहे हो अश्लील हरकतें कर रहे हो आप क्या कर रहे हो हेमंत साहब हेमंत साहब स्टड है आप क्या कर रहे हो लड़कों के साथ ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे चंडीगढ़ में एंट्री हो चुकी है हमारी आप कोई आगे कोई ढाबा वगैरह देख के कहीं खाना खाते क्योंकि जब सुबह से ही मतलब भूखे चल रहे हैं रास्ते से हरियाणा रोडवेज है चंडीगढ़ खत्म हो गया हाँ खत्म हो गया देखते हैं कहीं साइड में ढाबा वगैरह देख के कुछ करते हैं लंच वगैरह लंच का टाइम हो गया डिनर का हो गया 6 बज गए चंडीगढ़ से 5-7 किलोमीटर ही निकले थे हम भूख बहुत तगड़ी लगी है क्योंकि शिमला से कुछ खा के नहीं निकले थे क्योंकि रास्ते वगैरह में मतलब जो रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद थे तो चंडीगढ़ बस क्रॉस ही कराए हमने एक छोटा सा ढाबा मिल गया हमें जुगराज ढाबा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लंच करते हैं फिर निकलते हैं रोहतक के लिए यहाँ से हमें एग्जैक्ट 4 या 5 घंटे और लग जाएंगे रोहतक के लिए एंड जो ट्रिप था बहुत बढ़िया रहा हमारा एंड लगा था कि यार मतलब कल लगा था कि कल खराब हो गया ट्रिप बट नहीं एट द एंड ट्रिप बढ़िया रहा एंड हमारे सारे दोस्तों को थैंक यू भाई बर्थडे बढ़िया बनाने के लिए थैंक यू तो भाई सो रहे हैं कुछ थके हुए हैं तो सब निकलते हैं सो बर्थडे बहुत बढ़िया रहा जिसने भी विश करा उसके लोग उसको सबको थैंक यू एंड अच्छे अच्छे विशेज करने के लिए एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे खाते हैं फिर निकलते हैं एंड बस इस वीडियो को करेंगे क्लोज हम सो जाते थे बाइसेप्स का पोज है बाइसेप्स का पोज सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो टिल देन बी ऑलवेज मोटिवेटेड एंड राइड सेफ दिस इज राहुल साइनिंग आउट बाय 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 कर दे रहे मानशु बाय बाय ट्रिप कैसा रहा ऑसम इट वाज ऑसम अरे हिंदी व्लॉग है यू अंग्रेजी का गाना है हमारा और आते वो क्या हो गया थोड़ा सनबर्न हो गया गोरा होने का वो है नुकसान है ये ठीक है बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।